नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट की, तीसरे लहर की आहट की। लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको दे दी, एक बड़ी खबर। गृह विभाग ने दरअसल गाइडलाइन जारी कर दी है, नई गाइडलाइन गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है। कोरोना को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है, अनलॉक 3 को लेकर ये गाइडलाइन अब सामने है। शादी समारोह पर पाबंदी इस नई गाइडलाइन में भी जारी है। सरकारी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक अब खुले रहेंगे। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी जारी है। 25 से कम कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। विष्णु, क्या कुछ बदला है इस नए गाइडलाइन में, अगर पहले वाली गाइडलाइन के मुताबिक देखे तो? अभिनव, कुछ जो गतिविधियां हैं उनको इस नई गाइडलाइन में छूट दी गई है। जैसे कि जिन्होंने सरकारी कार्यालय हैं अभी तक शाम 4 बजे तक खुले रहने थे, अब उनका समय बढ़ाकर सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा बाजारों में जो दुकानें हैं जिनमें जो कर्मचारियों को वैक्सीन लगी होगी 90%, उनको अतिरिक्त 3 घंटे का, यानी 4 बजे तक का बाजार का समय है, उन्हें 3 घंटे अतिरिक्त खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो क्लब, जो मनोरंजन पार्क और जो अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको भी खोलने की छूट दी गई है। जो पहले हुए साथ में उन्हें वैक्सीन भी अनिवार्य की गई है, जिनकी वैक्सीन होगी लगी हुई वो खोल सकेंगे। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है उन रेस्टोरेंट में जो स्टाफ है उनको 60% स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी, तो उनको खोलने का जो समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। अभी तक वो जो स्टाफ है उनको 4 बजे तक की अनुमति थी कि उसमें रेस्टोरेंट और इनमें बैठा के खाना खिलाया जा सकता था, अब वो 7 बजे तक ये अनुमति उनको बढ़ा दी गई है जिनके वैक्सीनेशन हो चुका होगा। इसके अलावा जो पार्क है उनका भी समय बढ़ा, सार्वजनिक उद्यान है, गार्डन पार्क है, उनका भी समय बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह जो सार्वजनिक परिवहन है उनके लिए भी कहा गया है कि सुबह 5 से लेकर शाम 6 बजे तक उनको परिवहन आ जा सकेंगे लोग, और परिवहन का समय बढ़ा दिया गया है। विवाह संबंधी जो आयोजन है उनके लिए कहा गया है कि 30 जून तक अनुमति नहीं होगी, और उसके बाद 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, होटल परिसर जो इत्यादि जो भी है उनमें अधिकतम 40 व्यक्ति कर दिए। पहले 11 व्यक्ति थे, अब 40 व्यक्ति कर दिए। बैंड बाजों के अलावा ये इसकी अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो विवाह में हालांकि डीजे, बारात निकासी इत्यादि पर रोक रहेगी पहले की तरह। धार्मिक स्थलों के बारे में कहा गया कि सुबह छह से शाम 4 बजे तक अनुमति देगी, यानी अब धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। हालांकि उनका समय शाम 4 बजे तक होगा जो आम दर्शनार्थियों के लिए, और बाकी पूजा अर्चना हो सकेगी। इसके अलावा जो पर्यटन और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके लिए भी समय दिया गया है। रिसोर्ट्स है, होटल परिसर है, और इनमें लगभग जो 10,000 वर्ग मीटर का कोई अगर फैला हुआ या इससे अधिक है तो मेहमानों के ठहरने के लिए 40 और इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है, उनको अनुमति दी गई है। अब होटल व्यवसाय भी शुरू हो सकेगा इसके नई गाइडलाइन के अनुसार। और हालांकि जो मेहमान और जो ठहरेंगे उनको RT-PCR की जो सर्टिफिकेट है और वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। और जो इसके अलावा जो अन्य बस है, सिटी बस, मिनी बस, इनको भी संचालन की अनुमति दे दी, पर लेकिन उनको भी वैक्सीनेशन की डोज दी गई है, यानी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया उनको अब छूट दी गई है इस नई अनलॉक 3 गाइडलाइन में। और इसके अलावा जो संपूर्ण प्रदेश में शनिवार शाम 6 से सोमवार 5 बजे तक जो अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू था वो लागू रहेगा, और बाकी जो अन्य दिनों के सामान्य की तरह जो शाम को शाम 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू है। कई तरह की राहतें जरूर दी गई है, लेकिन इन नई गाइडलाइन के बावजूद भी कहा जा सकता है कि सख्तियां अभी भी जारी रहेंगी कुछ हद तक, ताकि जो है स्थितियां बिगड़े नहीं। अब धीरे धीरे करके एक एक कर राहत अब देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।